जनपद में हो रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस समय अधिकतर कार्य ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। फोन में बहुत सारे ऐप डाउनलोड होते हैं और बैंकिंग का भी अधिकतर कार्य ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए सभी नागरिकों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि बहुत से साइबर अपराधी इसका फायदा उठाकर नागरिकों को प्रलोभन देते हैं और किसी स्कीम में फंसाने का प्रयास करते हैं या किसी की फोटो को जोड़कर आपत्तिजनक बनाकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी को गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए कोई भी नागरिक यदि ऑनलाइन कोई कार्य कर रहा है तो सावधानी पूर्वक कार्य करे और फोन करके किसी के द्वारा कोई पिन ओटीपी या कोई जानकारी मांगा जाता है तो बिना किसी जानकारी के किसी को ना दें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विशेष रूप से ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में अधिकतम कार्य जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड और बाकी फ़ोन है जिसमें कई सारे ऐप्स डाउनलोड होते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग के भी अधिकतम काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं और इसके अलावा चाहे वो शॉपिंग हो या कोई इंश्योरेंस हो या बाकी अन्य जितने भी काम हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बहुत से साइबर अपराधी इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इंटरनेट के माध्यम से आम जनता को प्रलोभन देते हैं, उनको किसी स्कीम में फंसाने का प्रयास करते हैं या किसी की फ़ोटो को मॉर्फ करके या उसकी व्यक्तिगत जानकारियों को इंटरनेट के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसी घटनाओं से बचना बहुत ज़रूरी है और जो भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के भी द्वारा अगर कोई पिन आपसे मांगा जा रहा है, कोई कोड मांगा जा रहा है, कोई अन्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है तो जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए तो किसी के साथ भी ऐसी जानकारियाँ शेयर ना करें और विशेष रूप से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय ये इंश्योर करें कि वो एक प्रॉपर माध्यम से ही हो रही है और किसी के द्वारा अपराध कारित नहीं किया जा रहा है।